स्वागत है डीके फैब्रिकेटर 2.0 चैनल में। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे देखते हैं। नोट कर चुका हूँ, ठीक है, उसी के आधार पे आपको बताने वाला हूँ। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखने के लिए सबसे पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, और उसमें नॉर्थ खोजते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है, उसका अपोजिट साउथ होगा। एंड हमेशा याद रहे कि नॉर्थ के दाहिने साइड ईस्ट होता है एंड नॉर्थ के बाएं साइड वेस्ट होता है, ठीक है। बाकी अप एंड डाउन। फाइनली एस्टिमेटेड डायरेक्शन इस प्रकार का रहता है, ठीक है, समझ लें आप लोग। स्टार्टिंग लाइन तो ये यहाँ से हो रहा है। स्टार्ट पॉइंट एस्टिमेटेड ड्राइंग में कैसे जानते हैं, इसके लिए सबसे पहले फॉलो डायरेक्शन हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। तो फॉलो डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर मारा हुआ है, तो फॉलो डायरेक्शन इधर से मारा हुआ है, यानी कि इधर से लाइन मेरा स्टार्ट हो रहा है। और जो ये घेरा लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं रिवीजन, रिवीजन या फिर क्लाउडिंग। ये ओनली फॉर ड्राइंग होता है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि ये ड्राइंग में कुछ चेंजिंग किया गया है। अब मेरा जैसे कि यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं लाइन की बात करूँ तो सबसे पहले फ्लांच लग रहा है, उसके बाद एक रेड्यूसर लग रहा है। रेड्यूसर जो है वो 3 इंच × 2 इंच का लग रहा है, ठीक है। NS का मतलब होता है नॉमिनल साइज। उसके बाद कनेक्शन नंबर दे दिया, BA3BO ये ड्राइंग नंबर है, ठीक है। इसका जो आगे वाला पार्ट कनेक्टर कनेक्टिंग हो रहा है उसके लिए ये सब दिया है। स्टिंग नथिंग एलिवेशन एक कोऑर्डिनेट हो गया। ISO ड्राइंग नंबर 8044457 BA2, ठीक है, ये ड्राइंग नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नंबर और जो दो नंबर दिखा रहा है उसका एक जॉइंट दे रहा है, ठीक है। एक 152 वहां से वहां उसका हाइट दे रहा है। SP का मतलब होता है स्पूल 1। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, S 17 मतलब सपोर्ट दे रहा है, S 18 दो सपोर्ट है यहाँ पे। अब इसकी डायरेक्शन की बात किया जाए तो ए लाइन हम लोग का जो जा रहा है ये वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, उसके बाद डाउन हो जा रहा है और एक अप में ब्रांच निकला हुआ है। अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं, जॉइंट नंबर 3 है, एलिवेशन है 50 मीटर 835, F7G10B14। इसका मतलब होता है F मतलब फ्लांच, G मतलब गैस्केट, B मतलब बोल्ट। चार नंबर जॉइंट हो गया ये। सबसे पहले वॉलेट लगा हुआ है, उसके बाद एक फ्लांच लगा हुआ है, उसके बाद एक वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद एक ब्लाइंड लगा हुआ है। ब्लाइंड फ्लांच स्मॉल बे ड्रिलेट एट साइज टू सूट वेंट ट्यूबिंग कनेक्शन, ठीक है, ये वेंट लाइन में कनेक्शन होगा। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा भाल्व लगा हुआ है, तो 16 नंबर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब 16 नंबर इसमें देखिए कहाँ पे है, तो देखिए 16 नंबर में दिया हुआ है बॉल भाल्व, फ्लांच 150 क्लास का है, ठीक है। लूज सपोर्ट वेंडर, लूज सपोर्ट रहेगा, बॉल ब्लब भाल्व लगा हुआ है। तो भाल्व में लगाते समय हम लोग को फॉलो डायरेक्शन देखना पड़ता है, क्योंकि पानी का जो पानी या फिर कोई भी जो केमिकल जाएगा इसमें तो उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए आएगा। तो इसमें एक एरो चिन मारा हुआ रहता है, ठीक है, भाल्व में। तो अभी इसका एरो चिन किधर रहेगा, अभी एरो चिन इसका जो रहेगा वो टॉप की तरफ रहेगा। आगे जॉइंट नंबर 5 और यहाँ पे एक एल्बो लगा हुआ है। अब जैसे ही डाउन हो रहा है वहाँ पे जॉइंट नंबर 60 का, उसके बाद फ्लांच लग गया, फ्लांच F5G9B12। तो F5 में हम लोग जाकर देखते हैं, देखिए F5 में दिया हुआ है फ्लांच, ठीक है। WN का मतलब होता है बेलोनेट, ASTM का मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, B16.5 ये ग्रेड है, 150 क्लास है, ठीक है। LB का क्लास होता है, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से है।
जो जे नाइन दे रहा है, ठीक है, नाइन में हम लोग देखेंगे, एक तरह से मटेरियल लिस्ट बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। जी नाइन में देखिए गैसकेट दिया हुआ है, फ्लैट रिंग टाइप, थिकनेस 1.5 mm, B16.5, ये सब ग्रेड हो गया, 150 क्लास हो गया, कंप्रेसर नॉन है। उसके बाद जी 12 में हम लोग देखते हैं 100 mm लॉन्ग अस्टूट बोल्ट है, थ्रेडेड, ठीक है, फ्लैट लेंथ इंटू 2 हेक्सागोनल नट्स स्टेमी, ये सब ग्रेड है। इसका तो मैं फुल फॉर्म बता चुका, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी लेंथ की बात करें तो 685 mm है यहाँ से लेकर बटन से और फ्लांच के बाहर तक है, ठीक है। उसके बाद एक वाल्व लगा हुआ है, वो वाल्व हम लोग 15 नंबर में देखेंगे। 15 नंबर में बॉल वाल्व है, ठीक है, फ्लांच 150 क्लास का है, लूज सपोर्ट, इसमें भी भेंडर टाइप रहेगा, 3 इंच का लाए हैं, एन एस का पुल पर नॉमिनल साइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।